फर्स्ट है टू फाइंड फोकल लेंथ ऑफ कनकेव मिरर कन्वेक्स लेंस, ये रे डायग्राम बनाने हैं। डिस्टेंट ऑब्जेक्ट हम लेंगे, उसकी इमेज हम वॉल पे बनाएंगे, ठीक है। तो दोनों का रे डायग्राम बना दिया, इन्फिनिटी वाला फोकस पे बनेगी इमेज, उसी को एक्सप्लॉइट करेंगे हम, कि मतलब कि लाइक दिस मिरर वी आर टेकिंग, कनकेव मिरर इनवर्ट है ये, तो जो इमेज लाइट पड़ेगी इसके ऊपर उसकी इमेज यहाँ पे बनेगी। थोड़ी बहुत लाइट अगर पड़ रही है यहाँ तो वॉल पे उसकी इमेज बनेगी, वहां बनेगी। फिर मेरे को माइक उतारना पड़ेगा ना। So what I have done, कि इस मिरर को वॉल पे डाला, डॉल मतलब वॉल पे ऐसे रखा, सामने जो ऑब्जेक्ट होगी इसकी इमेज बनेगी, वो फोकस पे बन रही होगी। वो डिस्टेंस हमने निकाला स्केल से 20 सेंटीमीटर है, सो दिस इज आवर ऑब्जर्वेशन। तो लिखो यहाँ पे डिस्टेंस बिटवीन वॉल एंड मिरर कितना आया था, 20 सेंटीमीटर। सो दिस इज फोकल लेंथ, सो दिस इज फोकल लेंथ ऑफ कनकेव मिरर, फोकल लेंथ ऑफ कनकेव मिरर दैट मींस इज 20 सेंटीमीटर। एक चीज निकाल दी विद साइन लिखना, तो -20 लिखो। सो फोकल लेंथ ऑफ कनकेव मिरर आवर फर्स्ट ऑब्जर्वेशन इज 20 सेंटीमीटर। सेकेंडली कन्वेक्स लेंस, अब लेंस में रिफ्रैक्शन होती है, ऑब्जेक्ट एक साइड पे होगी, इमेज दूसरी साइड पे बनेगी। मिरर तो हमने ऐसे रखा, ऑब्जेक्ट भी इधर है, इमेज भी इधर है, पर अब रिफ्रैक्शन होगी, एक साइड पे ऑब्जेक्ट होनी चाहिए, इमेज सामने बनेगी ऑब्जेक्ट। सो लेट अस यूज दिस वॉल नाउ। अब इस वॉल के रियल एंड इनवर्टेड में कभी ये नहीं की Gracias.
बच्चे आई विल सेंड अ वीडियो टू यू, ठीक है? तो डिस्टेंस अब इसका भी फोकस इसका मतलब वॉल पे है और ऑप्टिकल सेंटर लेंस के ऊपर है. So distance between O and F that gives us focal length. ये हो गया ना आपका O कहाँ पे है? लेंस के ऊपर और ये वॉल के ऊपर, ये वॉल पे. So this distance we have found that is focal length. In this case ये distance हमने निकाला था that gave you focal length. So now second observation is distance between wall and lens. 14, 17, दोनों की फोकल लेंथ निकल गई, इसको हम रफ फोकल लेंथ कहते हैं. बस इसके बाद आपने प्लेन पेज पे रिजल्ट लिख दो. बस ये आपकी फर्स्ट एक्टिविटी हो गई. फोकल लेंथ ऑफ मिरर इज दिस, लेंस इज दिस. आंसर लिख दे रहे हैं. हमें बता ये पहले प्लेन पेज पे हो गया. पेंसिल से प्लेन पेज पे पेन यूज नहीं करना. ऑन द नाउ ऑन द रूल्ड पेज विद अ पेन यू विल राइट ओनली 5 पॉइंट. हां यार रिजल्ट क्या है? फोकल लेंथ ऑफ गिवन कॉनकेव मिरर इज कितने सेंटीमीटर एंड ऑफ गिवन कॉन्वेक्स लेंस इज कितने सेंटीमीटर. हमारा आपका जो आंसर था राइट. अब रूल्ड पेज पे आपने हेडिंग लिखनी है एक्टिविटी 1 एम ऑफ द एक्सपेरिमेंट एपरेटस. हेडिंग किसी से भी लिख सकते हो, ठीक है? देन यू कैन राइट बी. Then you will write procedure. Now procedure हो गया, last में आगे की question. So always on the ruled page you will just write 5 points. On the ruled page you will only write 5 points. Theory बता रही मैं आपको. Theory means something, some law, उसकी statement, कोई definition है उसकी statement. तो यहाँ पे आप focal length की definition दे. In theory, you can tell that focal length of mirror is the distance between focus and pole. As a definition, there is. And focal length of lens is distance between optical center and focus. Aliko, focal length of concave mirror is the distance between its pole and focus. Is distance between its pole and focus. And focal length of convex lens is the distance between its optical center and focal length of convex lens is the distance between focal length and optical center. Got it? Ek activity clear hai? Now we do second activity. Should I wrap this? Procedure में find the लिखा हुआ है. ये जो हमने किया वो procedure लिखा हुआ है. Questions भी दिए होंगे कि किस चीज का क्या करना है, किस चीज का क्या करना है. Then in comparison to actual wall, तो कितनी limitation है? हमारी wall तो इतनी बड़ी है object. पर इमेज तो इतनी सी ही बन रही है, उसको हम डिमिनेंट पॉइंट साइज ही बोलते हैं. बाकी डिस्टेंस इतना ज्यादा नहीं है ना हमारा. और ज्यादा डिस्टेंस हो और छोटी बनेगी. हम लैब में करते हैं वैसे इसको. तो वी मेक इंसिडेंट द हाउस ऑपोजिट टू द लेन, उस हाउस की इमेज बनती है. यहाँ तो हम फिर यही ले सकते हैं. चलिए सेकेंड एक्टिविटी नाउ.
बुकशॉप से जो मिलेगी आपको फाइल, एक फाइल में तीनों है, फिजिक्स केमिस्ट्री वाली। एक्टिविटी टू, in this space of ray diagram I'll be giving you this sheet to one of the students. I'll be giving the sheet that we will prepare here, and you will all get it photocopied and pasted in your file in this space. What you have to do, you are not to draw the ray diagram. Actual jo image aaj hame milegi refraction of light to a slab, I'll give this to you after doing it here. Then you will get it photocopied and pasted in your file on the plain board. हाँ जी, चलो ट्यूसडे का। मैं कहूँ मंडे को। First of all, what we are doing is हमने थंबप्रिंट से एक शीट को फिक्स कर लिया ड्रॉइंग बोर्ड पे, सो दैट इट डजंट मूव फ्रॉम हियर एंड देयर. देन वी विल कीप दिस स्लैब ओवर हियर एंड मार्क इट्स इंप्रेशन विद अ पेंसिल. डू यू हैव पेंसिल? एक स्केल और पेंसिल दे. इंप्रेशन मार्क कर लिया इसका स्लैब का इसके ऊपर. आफ्टर दिस वी आर चूजिंग अ पॉइंट ऑफ इंसिडेंस. कहीं पे भी चूज कर लो, कोई भी पॉइंट ऑफ इंसिडेंस चूज कर लिया. सुन तो रहा है ना? अब यहाँ पे डी रख के हम नॉर्मल और एंगल ऑफ इंसिडेंस मार्क करेंगे. ऑन दिस पॉइंट आई विल कीप द डी, एंड एक पॉइंट में 90 पे लगा रही हूँ, एंड सेकंड पॉइंट आई एम मार्किंग ऑन 50. तो हाउ मच इज एंगल ऑफ इंसिडेंस? 40 डिग्री. तो मैंने आई लिया 40. अब नाउ आई एम गोइंग टू जॉइन दीज टू, तो आई विल गेट द इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल. ये आपको इंसिडेंट रे मिल गई, ठीक है? इंसिडेंट रे मिल गई, और आई हैव ड्रॉन एन एरो हियर एंड रिटन 40 डिग्री. एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 40 डिग्री. नाउ आई विल फिक्स टू पिन्स हियर. यहाँ पे दो कॉमन पिन हैमर से लगा दूंगी. दिस इज स्मॉल हैमर. यहाँ पे दो कॉमन पिन हमने फिक्स कर दिए, ठीक है? तो मैंने यहाँ पे दो कॉमन पिन्स लगा दी, ये आपको दिख रही होंगी यहाँ.
दो फिन्स लगा दी है, थोड़ा सा डिस्टेंस पे 4-5 सेंटीमीटर वैसे होता है आइडियली, मैंने थोड़ा सा पास होगा. Now I'll keep the glass slab here and see the image of these fins through this face. इस साइड से जहां से इमरजेंट्री होती है ना, यहाँ से इसकी में देखूं, ठीक है? फिन्स की में दिख रही है आपको यहाँ से? देखो किसी एंगल से दिख रही होगी. कौन बोला यस? वो उसको दिख रही है, देखो देख. मैं आपको यहाँ बुलाऊंगी डेली. चलो आगे देख लो, मिलाना नहीं है इसको किसी. हाँ, टू टू स्टूडेंट कम. यहाँ से देखिए आपको दोनों फिन्स की इमेज दिख रही है, उसके साथ ही इन दैट लाइन हियर आई कैन सी बोथ द फिन्स इन वन लाइन. आई क्लोज वन आई एंड आई फिक्स टू फिन्स मोर देयर सो दैट ऑल द फोर फिन्स आर इन सेम साइड. ठीक है, तो पहले ये दो फिन्स जहां दिख रही है उसी लाइन में एक और पिन मैंने लगा दी. आप फाइनली आके देख लेना, चारों एक ही लाइन में होंगे. दिख रही है ना? अब देखो इधर से होके देखो, चारों एक लाइन में दिख रही है, उन दोनों की इमेज और ये दोनों एक लाइन में दिख रही है. फीट फीट एक लाइन में नहीं दिख रही है, एक आई क्लोज करके देखो. चलो आइए दो और. एक आई क्लोज करके देखो, चारों ये दोनों पिंस और उन पिंस की इमेज एक लाइन में लग रही है. थोड़ा दूर होके देखो, दिख रही है एक लाइन. हाँ चलिए, अरे आप बोतल भी पकड़. तो स्टूडेंट्स क्या किया आपने? उन दोनों रिले में आपने क्या कर सकते हो? आपको जहाँ पे इनकी इमेज दिख रही है ना इधर, आप वहां पे लाइन भी लगा सकते हो. समटाइम्स यू कैन डू दैट आल्सो. जहाँ भी इमेज दिख रही है ना वहां पे लाइन लगा लो, फिर उसी लाइन पे दो फिश लगा सकते हो आप. जल्दी देखते जाओ बच्चे, इधर से आइए आप. आसमान देख ली दिख रही है फ्रेंड्स, एक लाइन में चार दो की है दो की. ये अब आप लोग भी देख लो, इफ इट इज पॉसिबल लाइक दिस. आई रोटेटेड फ्रॉम ऑल द एंगल्स. दो पिन यहाँ लगी थी ना, दो और यहाँ लगा दी.
तो ये चारों एक लाइन में दिख रही है, देखिए इस एंगल, ये चारों एक लाइन में दिख रही है, ये मैं दोबारा किया हम, ठीक है। चलिए अब दोनों पिंस को मैंने रिमूव करके पॉइंट्स मार्क कर लेने हैं। आई हैव मार्क्ड द पॉइंट्स हियर, सुनिए अभी बहुत काम पड़ा है इसका। अब पिंस मैंने रिमूव कर दी, स्लैब रिमूव कर दी, नाउ वी हैव टू कंप्लीट द रे डायग्राम, ठीक है। अब ये दो मार्क्स लगे हुए हैं यहाँ पे, ये देखिए जहाँ पे पिंस थी, इनको ज्वाइन करूंगी मैं विद द स्केल एंड रिड्यूस बैकवर्ड, आई गेट माय इमरजेंट रे, ठीक है। और बिल्कुल इतना सा इधर उधर हुआ तो आपका एंगल का डिफरेंस आ जाएगा, दिस इज माय इमरजेंट रे, ठीक है। नाउ व्हाट आई विल डू, आई विल प्रोड्यूस इंसिडेंट रे आल्सो डॉटेड, so it is parallel, incident ray should be parallel to emergent ray, नहीं तो इसका मतलब हमारी पिंस में कुछ गड़बड़ थी, ठीक नहीं लगी थी। ये incident ray अब इस emergent ray के parallel होनी चाहिए and it is. Now we will do the other formalities. जहां पे emergent ray touch कर रही है, we will again keep the D here and draw the normal. Normal तो आप चलो ऐसे भी बना सकते हो 90 degree का, बिल्कुल straight line, right? अब इन दोनों में जो डिस्टेंस है वो स्केल से मेजर कर लोगे, दैट विल बी लेटरल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब ये वाला टिप और ये वाला जो एज है, इन दोनों को ज्वाइन करेंगे, दिस विल बी आवर रिफ्रैक्टेड रे, ये और ये एज, इमरजेंट रे और इंसिडेंट रे जहां खत्म हो रही है और इमरजेंट रे जहां शुरू हो रही है, इनको ज्वाइन करेंगे, दिस विल बी आवर रिफ्रैक्टेड रे। तो ये हम ड्रॉ कर देंगे बीच में और इसके बाद एंगल्स मेजर करेंगे। इसको हमने प्रोड्यूस किया ना, ये पैरेलल आ रही है ना, ये डिस्टेंस है, दिस इज लेटरल डिस्टेंस, इसको हम सेंटीमीटर में जितना भी आ रहा है माफ कर लेंगे। नाउ वी विल मेजर, ये हमारा 40 डिग्री का आई, आर कितना है ये निकाल लेंगे डी रख के, तो आई विल बी गिविंग यू द कंप्लीट शीट आफ्टर दैट, आफ्टर मेजरिंग द एंगल। ये हम ई मेजर कर लेंगे, ये कितना है, ठीक है। और क्या मेजर करना है हमने, लेटरल डिस्टेंस, और हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ स्लैब भी निकाल सकते हैं, वो भी आप कैलकुलेट कर देना, आई और आर की वैल्यू पुट करके, साइन बी के वैल्यू देख के नेट से, आप यहाँ पे 1 point, आपको पता ही ग्लास का 1.5 होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, उसके राउंड अप बट इट, हाँ ई भी आपका सेम आएगा, ई 40 आना चाहिए यहाँ। बाकी मैं मेजर करके आपको शीट दे दूंगी पूरी लेबल करके, आप उसको फोटोकॉपी करा के इतना पोर्शन कट करके फाइल पे भेज दो। नाउ थर्ड एक्टिविटी इज प्रिज्म इन द सेम रूम, यहाँ पे आप लिखना ये आफ्टर ड्राइंग डायग्राम, यहाँ पे लिखिए ऑब्जर्वेशंस, इसको कंप्लीट कर लो पहले। ऑब्जर्वेशंस में यू विल राइट द वैल्यूज ऑफ एंगल, डायग्राम बनाना नहीं है, वहां पेस्ट कर देंगे आप। और लेटरल डिस्प्लेसमेंट अब कैलकुलेशन, कैलकुलेशंस में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट करना, वैसे वहां कहा नहीं हुआ है बट आप कैलकुलेट कर लेना आफ्टर दैट रिजल्ट। बी इज लेटरल डिस्प्लेसमेंट, बी क्या है यहाँ पे, लेटरल डिस्प्लेसमेंट, बिल्कुल वैसे ही प्रिज्म का भी करते हैं। यहाँ पे लिखियो पहले
चलिए नेक्स्ट एक्टिविटी नंबर 3, थ्रू अ ग्लास प्रिज्म। यहाँ पे भी वैसे ही शीट पेस्ट करनी है आपने। अब यहाँ पे भी हमने शीट पेस्ट ही करनी है। प्रिज्म का भी बिल्कुल वैसे ही है। फर्स्ट टाइम ड्राइंग इंप्रेशनल है। मुझे मेनी पॉइंट्स हियर। इसमें भी ऐसे करना है, प्रिज्म रख के पहले इंप्रेशन ले लिया, देन कोई भी पॉइंट चूज कर लिया, प्रेफरेबली सेंटर में, ए बी के सेंटर में। यहाँ पे डी रख के नॉर्मल और इंसिडेंट रे, मतलब 90 और अगेन 50 पे पॉइंट लगा लेती हूँ मैं, तो आई हमारा 40 हो गया। फिर से अगेन आई फिक्स टू पिन्स ऑन द इंसिडेंट। इतना काम मैं करके आपको बता रही हूँ। अब इसकी इमेज आपने, मैंने दोनों पिंस लगा दिए हैं, प्रिज्म रख दिया है, अब इसकी इमेज, इसकी इमेज आप देखोगे एसी में से, ये वाली साइड में आपको दो पिंस की इमेज दिखेगी, वहीं पे आपने दो और लगा देंगे। इस इधर से दिख रही है एंगल, छोटा ले लेते हम, एंगल ले लेते 30 डिग्री का, वो रेंज में नहीं आ रही ना, इससे 30 का एंगल ले लेते। आई एम टेकिंग इट 60 पे लगा दूंगी। बिल्कुल वैसे ही हम यहाँ पे साइड पे दो पिंस लगा देंगे। अब बिल्कुल उसी तरह से ये, अब आपको मैं बुलाऊंगी नहीं यहाँ पे, ये 4 पिन से सेम स्ट्रेट लाइन में है, वो दोनों पिन की इमेज दिख रही है यहाँ से, और दो पिन और लगा दी हमने ताकि वो चारों एक ही लाइन में हो, वैसे ही आपको दिखेंगी 4 पिन एक ही लाइन। नाउ व्हाट वी विल डू, आई एम डूइंग ऑन द बोर्ड। अब हमने यहाँ पे दो पिन लगा दी, एंगल 30 हो गया, दो पेन यहाँ लगा दी, रिमूव द पेन, मार्क द पॉइंट,
एंड ड्रॉ द रे बैक, ये मुझे क्या मिल गई, इमरजेंट। अब यहाँ पे इस पॉइंट पे आई की टी एंड अगेन मार्क 90 डिग्री वाला पॉइंट, तो वो नॉर्मल होगी। अब ये एंगल ई मेजर कर लेंगे, राइट, इनको जॉइन कर देंगे, ये रिफ्लेक्टेड रे होगी, ये एंगल आर भी मेजर कर देंगे। अब इन दोनों को बैकवर्ड प्रोड्यूस कर देंगे, ये डेल्टा होगा। तो हमारी ऑब्जर्वेशन में आई है, ई इज देयर, आर इज देयर, डेल्टा इज देयर, एंगल भी मार्क कर लेंगे। तो डायग्राम से देख के आप मार्क कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पे क्या इंफॉर्मेशन है हमारे पास, कैलकुलेशन कोई है, इसके बाद रिजल्ट लिख देना, रिजल्ट लिख देना है सीधा और फाइल में लिख देना। ये आप कह रहे मेरी ऐसी वाली इसकी इमेज आपको इधर इधर दिख रही है, इन दोनों की इमेज आपको ऐसे दिख रही है, उसी लाइन में।